हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। दोस्तों, आज मैं जिस परफ्यूम की बात करने वाला हूँ वो दुनिया का बहुत ही फेमस, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही एलिगेंट परफ्यूम है, और वो जिस डिज़ाइनर हाउस से आता है या फैशन हाउस से आता है वो भी दुनिया का बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही एलिगेंट फैशन हाउस है। और मुझे लगता है कि ये वो एक ऐसा परफ्यूम है जो क्रीड एवेंटस को टक्कर दे सकता है। अगर आपने मेरा क्रीड एवेंटस का रिव्यू नहीं देखा है तो मैं ऊपर एक इन्फॉर्मेशन कार्ड डाल देता हूं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि वो क्रीड एवेंटस में जिस परफ्यूम की बात कर रहा हूं वो एग्जैक्टली है क्या। और इस एपिसोड के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये परफ्यूम उसकी टक्कर का क्यों है और इसमें ऐसी क्या खास चीज़ें या क्या ऐसे फ्लेवर्स या इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं जिससे ये परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और इतना अच्छा माना गया है कि इट हैज़ बीन रैंक्ड इन टॉप 10 परफ्यूम्स इन द वर्ल्ड फॉर मेन। आइए देखते हैं कि हम किस परफ्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन ऐड करने वाला हूं। वो ये है कि जो ये बॉटल है ब्लू डी शनेल की, आपको वो कैसे पहचाने कि ये बॉटल ओरिजिनल है या फेक, उसको देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, इससे पहले हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर आर वीडियोज़, और उस बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा सो दैट मैं कोई भी जब नया वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मैं जिस परफ्यूम की बात कर रहा हूँ उसका नाम है ब्लू डी शनेल। इट कम्स फ्रॉम द फैशन हाउस नेम शनेल एंड द बॉटल इज इन माई हैंड्स राइट नाउ। मैं इसको कैमरा की तरफ दिखाता हूँ, आप देखिए ये बॉटल इस तरीके का है। इट इज़ अ ब्लैक कलर्ड बॉटल जिसके ऊपर सामने ही फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है, ब्लू डी शनेल। और दोस्तों, ये जो फ्रेग्रेंस है ये रिलीज हुआ था ये 2010 में एंड इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मास्टर परफ्यूमर जैक स्पोल्ज। और जब ये आप स्प्रे करते हैं जो इसका पहला इंप्रेशन आता है उसी से आप गेस कर सकते हैं कि ये फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड क्यों है और इतना ज़्यादा एलिगेंट क्यों है। एंड सिंस इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मास्टर परफ्यूमर जैक स्पोल्ज, जब आप ये स्मेल करते हैं, जब ये खुशबू आप लेते हैं, तभी आप जान जाते हैं कि उस परफ्यूमर जो जिसने इसको क्रिएट किया उसको मास्टर परफ्यूमर क्यों बोला जाता है। फ्रेंड्स, मैं जितनी तारीफ करूँ इस परफ्यूम की वो बहुत ही कम है। मेरे लफ्जों में ये परफ्यूम एक डेकेड का, इस डेकेड का या आने वाली कितनी सारी डेकेड्स का बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस रहेगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट लाइकेबल परफ्यूम रहेगा, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट लेने वाला परफ्यूम रहेगा। अगर मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसके पीछे कुछ कारण है। और मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बोला कि ये एक ऐसा परफ्यूम है जो क्रीड एवेंटस को टक्कर दे सकता है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। इसका प्राइस उसके कंपैरिजन में, क्रीड एवेंटस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, ज़्यादा कम नहीं है, बिकॉज शनेल इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड। अगर आप उसके एक्सेसरीज की बात करो, आप उसके बैग्स की बात करो, आप उसके कपड़ों की बात करो, आप किसी भी चीज़ की बात करो, शनेल इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड। बिकॉज आई ऑलवेज से If the things are expensive, it comes with a cost. तो अगर आपको यूनिक बनना है या यूनिक रहना है तब आपको उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। और ये परफ्यूम जब आप लगाते हो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि ये इतना बढ़िया परफ्यूम है, इतना बेस्ट परफ्यूम है, या मैं ये बोलूँ कि इतना कॉम्प्लीमेंट गिवर परफ्यूम है कि अगर आप इसको लगाओगे, मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैं आपको बेट कर सकता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपसे ये ना पूछे कि आपने आज क्या वियर किया है। तो दोस्तों, अगर मैं इसके नोट्स की बात करूं, हम जब इसको स्प्रे करते हैं जो इसका पहला इंप्रेशन आता है टॉप नोट, अगर आपने मेरे वीडियोस पिछले वीडियोस देखे हो तो मैं हर वीडियो में कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करता हूं, जैसे टॉप नोट, मिडल नोट और बेस नोट। वो नोट्स क्या है? अब जैसे टॉप नोट है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि टॉप नोट इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द फ्रेग्रेंस। जैसे ही हम उसको स्प्रे करते हैं, जो उसका पहला इंप्रेशन आता है
वो टॉप नोट होता है। तो जब मैं इसको स्प्रे करता हूं तो जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है, टॉप नोट इज फुल ऑफ लेमनी टच, इट इज फुल ऑफ सिट्रस। और अगर मैं इसको और कुछ डिस्क्राइब करूं तो इसके अंदर बहुत ही कड़क, बहुत तीखी और बहुत ही एकदम एग्रेसिव टाइप सा इसका टॉप नोट है, बिकॉज दे हैव यूज्ड पिंक पेपर इन दिस, दे हैव यूज्ड मिंट इन दिस। और जैसे जैसे ये परफ्यूम सेटल होता है, इसका मिडिल नोट जब स्टार्ट होता है तो मिडिल नोट में दे हैव यूज्ड अ वेरी एडिक्टिव इंग्रेडिएंट, दैट इज विटेवर। And friends, vetiver and sandalwood are my favorite ingredients and favorite part of the notes. और इसके middle note में they have used vetiver. And moreover, ये बहुत ही aquatic type सी fragrance है। अगर आप कभी गोवा गए हो या आप कभी कभी किसी बीच एरिया में गए हो, whenever we like lying down on that beach, तो जब वो एक रेत की, समंदर की खुशबू, उसके आसपास जो पेड़ होते हैं, ग्रीन, ऑल ग्रीनरी, द ग्रीन वेजिटेशन, और जब भी उस उन जो चीज़ों को मिला के जो एक ब्लेंड होता है खुशबू का, दे हैव यूज दैट फ्रेगरेंस, दे हैव यूज दैट फ्रेगरेंस इन दिस परफ्यूम। इसीलिए इसका जो मिडल नोट है वो भी उतना ही फ्रेश है जितना इसका टॉप नोट है। तो दैट मीन्स कि ये परफ्यूम जब आप लगाते हो, ऐसा नहीं है कि टॉप नोट जो 15-20 मिनट के बाद फेड आउट हो गया, इसका मिडल नोट स्टार्ट हुआ तो ये थोड़ा सा सेटल हो गया और थोड़ा सटल हो गया ये परफ्यूम, ऐसा नहीं है। ये उतना ही एग्रेसिव रहता है, उतना ही फ्रेश रहता है, और आप इसको इतना ज़्यादा ये एडिक्टिव है कि यू फील लाइक स्मेलिंग इट लाइक थ्रू द होल डे। और ये इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है कि यू डोंट फील लाइक डूइंग अ टॉप अप ऑफ दिस फ्रेग्रेंस टिल द एंड ऑफ द डे। और इसकी अगर मैं बेस नोट की बात करूं, बेस नोट में एज आई टोल्ड यू दे हैव अगेन यूज्ड अ वेरी एडिक्टिव इंग्रेडिएंट दैट इज कॉल्ड सैंडलवुड, और सैंडलवुड इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस नोट, और इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है सैंडलवुड उसकी हेल्प करता है उसको बढ़ाने के लिए। और दोस्तों एक और बात, अगर मैं इस खुशबू को डिस्क्राइब करूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये खुशबू बहुत ज्यादा क्लोज है नेचर के। उसका रीजन क्या है, अगर आप कभी अपने किसी फ्रेंड के साथ कभी आउटिंग पे गए हो या ड्राइव पे गए हो ऑन अ टू व्हीलर, और कभी आप कभी हिली एरिया क्रॉस कर रहे हो या कभी आप किसी फॉरेस्ट एरिया से क्रॉस कर रहे हो जहाँ बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, एंड सडनली स्टार्ट्स रेनिंग ओवर देयर, तो जब वो बारिश मिट्टी पे गिरती है, जो उस मिट्टी की खुशबू आती है, इट इज हैविंग अ वेरी अर्दी काइंड ऑफ अ स्मेल ऑल्सो। तो जब वो जो बारिश है, बारिश की बूंदें या जो पानी मिट्टी के ऊपर गिरता है, तो जो वो मिट्टी की खुशबू आती है, इट गेट्स ब्लेंडेड अप विद दोज ट्रीज स्मेल आल्सो, क्योंकि इसके अंदर दे हैव यूज्ड सिडार एज वेल। तो जब वो सारी खुशबुएं मिक्सअप होती हैं नेचर की, यू विल फील आफ्टर स्मेलिंग दिस फ्रेग्रेंस, यू विल फील दैट ये एग्जैक्टली वही है फ्रेग्रेंस, एग्जैक्टली दिस इज द सेम फ्रेग्रेंस जो आपको उस टाइम पे वो खुशबू को लेके आती है। जब हम जैसा कि मैंने आपको बोला कि जैसे आप ड्राइव पे गए हुए हैं और आपको सडनली बारिश हो जाए, और बारिश के टाइम पे वो जो खुशबू क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ ट्रीज और बिकॉज ऑफ दैट सॉइल और बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट और टोटल क्लाइमेट आउटसाइड, तो जब वो आप स्मेल करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, यू सडनली गो डाउन योर मेमोरी लेन, आपको सडनली बहुत पुरानी बातें याद आनी स्टार्ट हो जाती हैं, या आप अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी आउटिंग पे गए हो या गर्लफ्रेंड के साथ गए हो या आपने किसी फ्रेंड के साथ गए हो या फैमिली के साथ आउटिंग पे गए हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो दैट इज़ वाई दिस फ्रेग्रेंस इज़ वेरी स्पेशल, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू नेचर। तो फ्रेंड्स अब टाइम है उस फेवरेट सेक्शन का, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि हाउ टू जज दैट दिस फ्रेग्रेंस बॉटल इज ओरिजिनल और फेक। सो फॉर दैट लेट मी कम क्लोज टू द कैमरा, अगर मैं कैमरा के सामने आऊं तो दोस्तों देखिए ये बॉटल ऐसा दिखता है जिसके ऊपर दे हैव रिटन दिस लोगो, इसका नाम लिखा हुआ है फ्रेग्रेंस का ब्लू डी शनेल। अब फ्रेंड्स ये जो ब्रांड है या जो ये प्रिंटिंग है या जो ये लोगो है, ये तो कोई भी कॉपी कर सकता है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये बॉटल ओरिजिनल है या फेक? तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा टू नो दैट दिस बॉटल इज ओरिजिनल और इट इज़ फेक। तो फ्रेंड्स अगर मैं पर्टिकुलरली इस फ्रेग्रेंस की बात करूँ जो कि जिसका नाम है ब्लू डी शनेल, तो इसके ऊपर सबसे पहले तो इसके बॉटल के कैप के ऊपर दे हैड अ लोगो ऑफ शनेल। तो अगर मैं इसको निकाल के दिखाऊं इसको, तो आप देखिए ये जो लोगो है ये शनेल का लोगो बना हुआ है इसके ऊपर। नाउ अगेन द पॉइंट इज दिस कि बॉटल के ऊपर तो ये लोगो भी बन सकता है, राइट? अब इसका जो सेकंड स्टेप है चेक करने का कि फ्रॉम वेयर वी कैन चेक दैट दिस इज ओरिजिनल और नॉट, इस बॉटल के कैप को अगर आप घुमाएंगे तो इस बॉटल के कैप के अंदर भी देयर इज अ लोगो।
नाउ आई हैव टू शो इट टू यू थ्रू दैट पुटिंग पासिंग थ्रू अ लाइट, बिकॉज ये अभी अंधेरा है, आपको दिखेगा नहीं. जस्ट होल्ड ऑन. सी फ्रेंड्स, जैसे आप अब ये इसके अंदर ये देखिए आपको क्लियरली दिखा, इस कैप के अंदर भी एक शनेल का लोगो है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एंड वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी. तो सबसे पहले तो आपको कैप के थ्रू ये चीज जाननी है कि कैप के ऊपर ही बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है. तो जब भी आप किसी सेलर से या आउटलेट से या मॉल से या किसी स्टोर से जब आप इसको परफ्यूम को खरीदते हैं, तो आप सबसे पहले बॉटल को खोल के ये चीज देखिए कि इसके अंदर ये है कि नहीं है. राइट, सो नाउ फ्रेंड्स लेट मी कम बैक टू द फ्रेग्रेंस इटसेल्फ. तो जो ये फ्रेग्रेंस है, इसका ये अंदर जो स्प्रेयर है वो कुछ इस तरीके का है. राइट, और इसका जो एक यूनिक पार्ट है इस बॉटल का, दैट दिस कैप इज मैग्नेटिक. अगर मैं इस कैप को ऊपर रखता हूं तो ये अपने आप नीचे जाता है, बिकॉज दिस कैप इज मैग्नेटिक. दोस्तों मेरे पास बहुत सारे इसके लुक लाइक्स आते हैं, बहुत सारे फेक परफ्यूम्स आते हैं मार्केट के अंदर, जो मेरे पास भी आए हैं बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने कुछ भेजे हैं, जस्ट टू टेक हेल्प ऑफ माइंड कि भाई ये चेक करके बताओ ये ओरिजिनल है कि नहीं है. तो व्हेन आई चेक, तो एक चीज मैंने पाई कि ये बॉटल उनमें मैग्नेटिक नहीं है, ये जो कैप है ये मैग्नेटिक नहीं है. तो जब आप इसको चेक करेंगे तो दिस इज अ वेरी लाइक मैग्नेटिक कैप, ये अपने आप बंद होता है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि अगर आपको ये सब चीजें आपने चेक कर ली, क्योंकि देखो दोस्तों कॉपी तो कोई भी मार सकता है, और बहुत सारे हाई लेवल के कॉपीज आती हैं जिसको मार्केट में फर्स्ट कॉपी कोई बोलता है, कोई सेकंड बोलता है, थर्ड बोलता है, फोर्थ बोलता है, ए ग्रेड कॉपी, ये वो. देयर आर मेनी कोड लैंग्वेजेस फॉर दैट आल्सो इन द परफ्यूम इंडस्ट्री. सो आई एम गिविंग यू द नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स सो दैट आप कभी किसी चीज के लिए बेवकूफ या बुद्धू ना बना के आपको कोई घर भेज दे. तो अगर मैं इस बॉटल को घुमाता हूं तो इस बॉटल के नीचे एक कोड दिया हुआ होता है, विच इज कॉल्ड द बैच कोड. लेट मी फोकस ऑन इट. अभी एक मिनट में आपको लाइट मार के दिखाता हूं, क्योंकि आपको ये अंधेरे में थोड़ा दिखेगा नहीं. ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस यहां पे देख पा रहे हैं, दो इट इज नॉट वेरी क्लियर, बट यहां पे एक कोड होता है. ये देखिए, अब ये कोड क्लियर दिख रहा है. आई थिंक इट इज रिटन 8504. दिस इज द बैच कोड ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, क्योंकि हर फ्रेग्रेंस एक बैच कोड के साथ आती है. ये यूनिक बैच कोड होता है जो कि कोई भी डिजाइनर या जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है वो इसके नीचे एक पीछे एक बैच कोड डालती है, जो कि बैच कोड ऑनलाइन भी चेक हो सकता है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप वो कहां से चेक कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका बॉटल के नीचे भी होता है. अगर आप इसको देखें तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है EDT एंड इट इज मेड इन फ्रांस शनेल के. दो इसके अंदर, एक शनेल रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड का इन्होंने इसके ऊपर लोगो लगाया हुआ है, विच इज बेस्ड आउट ऑफ न्यूयॉर्क, एंड अदर वन इज शनेल. दो शनेल इज अ फ्रेंच ब्रांड, बट उसके बावजूद आई थिंक दिस मस्ट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड समवेयर इन अ फैसिलिटी समवेयर इन न्यूयॉर्क. ये हो गया. इसके बाद कोको शनेल का यहाँ पे एक, आप अगर देखें तो इसके ऊपर एक ये भी है, कोको शनेल का लोगो, शनेल का नाम, शनेल का ट्रेडमार्क, और उसका फ्रेग्रेंस का नाम. इसका क्वांटिटी 150 ml, इट इज एन EDT वर्जन, एंड दी औंस, द क्वांटिटी दैट दे हैव रिटन इज 5 औंस. राइट, तो दोस्तों ये जो फ्रेग्रेंस है इसकी बहुत सारी मैंने आपको बताई है. और एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो ब्रांडेड आप परफ्यूम खरीदोगे, अगर वो ओरिजिनल है, तो जो अंदर इसके स्प्रेयर है, अगर आप ये देख पा रहे हो जो स्प्रेयर का पाइप है, दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू ट्रांसपेरेंट. ये एक बहुत खास बात है ध्यान रखने वाली. अगर आप देखो तो ये बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही बारीक, बहुत ही महीन टाइप सा इन्होंने यूज किया हुआ है इसका स्प्रेयर, विच इज लाइक दी इंडिकेशन दैट इट इज ओरिजिनल. आप देखो, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगा के देखना पड़ेगा कि ये स्प्रेयर इसमें डाला हुआ है. और एक और चीज फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल परफ्यूम्स होते हैं दे मेक द यूनिफॉर्मिटी इन एवरीथिंग. जब भी वो क्वालिटी QC में जाता है या क्वालिटी कंट्रोल में जब भी कोई फ्रेग्रेंस जाती है, तो जो भी ये अंदर स्प्रेयर है इसका जो थिकनेस है वो सेम रहेगा हर फ्रेग्रेंस के अंदर.
इट विल बी सेम इन एवरी फ्रेग्रेंस, चाहे वो गुच्ची है, चाहे वो वर्साचे है, चाहे वो क्रिस्टियन डियोर है या वो अर्मिस है, कोई भी ब्रांड होगा उसके अंदर दे हैव टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी. दैट इज व्हाई द ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस आर इजीली डिटेक्टेबल देन द फेक, या अगर मैं बोलूं नकली फ्रेग्रेंसेस से. दोस्तों मैं इस परफ्यूम के रिलेटेड एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो परफ्यूम है इट इज अ वेरी फॉर्मल, वेरी सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट परफ्यूम. ये बात मैं अपने वीडियो में बहुत बार रिपीट कर चुका हूं. उसका एक रीजन ये है कि ये जो परफ्यूम है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस परफ्यूम को वेस्ट मत कीजिएगा, बिकॉज इट इज अ मास्टरपीस. अगर आप शाम को टेनिस खेलने जा रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, प्लीज डोंट वेस्ट इन द स्वेट, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी फॉर्मल, वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी एलिगेंट फ्रेग्रेंस. अगर आप कहीं हाई लेवल ऑफिस की मीटिंग में जा रहे हैं, आप कहीं शादी में जा रहे हैं, या आप बहुत ही किसी अच्छी गैदरिंग में जा रहे हैं, आप वहां पे यूज कीजिएगा. प्लीज डोंट वेस्ट दिस थिंग इन स्वेट, बिकॉज इट इज अ वेरी हाई फॉर्मल, वेरी हाई सोफिस्टिकेशन वैल्यू एडेड टू इट. Since the name of Chanel is also added in this, because it is made by Chanel, तो आप इस परफ्यूम को बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा. ये परफ्यूम आप ऑफिस में यूज कर सकते हैं, आप ये परफ्यूम पार्टीज में यूज कर सकते हैं, आप ये परफ्यूम मैरिजेज में या वेडिंग्स में यूज कर सकते हैं, बट डोंट यूज इट इन एनी अदर काइंड ऑफ एन एक्टिविटी वेयर इट लूजेज इट्स वैल्यू. तो फ्रेंड्स अब बात आती है इसकी प्राइस की. वेल फ्रेंड्स, जो मेरे हाथ में ये बॉटल है, इसका जो क्वांटिटी है दैट इज 150 ml, और इसका जो आइडियल प्राइस है, जो ड्यूटी फ्री से मैंने ये परफ्यूम को परचेज किया था, तो इसका जो मुझे प्राइस मिला था उस टाइम पे दैट वाज अराउंड 12,500. बाकी प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी करता रहता है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, बट सिंस द आइडियल प्राइस ऑफ दिस फ्रेग्रेंस इज अराउंड 12,500. अब वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये एक ऐसा परफ्यूम है जो क्रीड एवेंटस को टक्कर देता है. तो आप मेरे क्रीड एवेंटस के वीडियो को जाके चेक कीजिए, उसमें मैंने उसका प्राइस बताया था, दैट वॉज अराउंड 30,000 rupees फॉर 120 ml बॉटल. दोस्तों इसमें आपको क्वांटिटी भी ज्यादा मिल रही है और आपको प्राइस भी कम देना पड़ रहा है. एंड आई विल मेक यू श्योर कि ये अगर आप परफ्यूम खरीदते हो और ये परफ्यूम जब आप अप्लाई करते हो तो आपको उतने ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे जितना आपको क्रीड एवेंटस लगा के मिलेंगे. सो द पॉइंट इज दिस, यू शुड गेट द वैल्यू फॉर मनी. और क्रीड एवेंटस, मेरे उस वीडियो के अंदर मैंने ये भी मेंशन किया था कि क्रीड एवेंटस इज अ वेरी लेटर काइंड ऑफ अ डिसीजन, कि अगर आपको क्रीड एवेंटस खरीदना है तो आप उसको बहुत बाद में जाके खरीदिए कि आपके पास बहुत बड़ी कलेक्शन हो चुकी है फ्रेग्रेंसेस की, आपको बहुत कुछ यूनिक ट्राई करना है, तब आप खरीदिए. ये फ्रेग्रेंस भी उतनी ही यूनिक है, बट सिंस इट इज अ वेरी क्रीड एवेंटस इज अ वेरी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव परफ्यूम, जो कि आप बहुत रूटीन वेयर नहीं कर सकते हो, डेली वेयर नहीं कर सकते हो, सिंस दिस इज ऑल्सो नॉट अ डेली वेयर, बट इसकी प्राइस उससे हाफ से भी कम है. So my opinion on this that you should avoid buying Creed Aventus for some period of time, and you should go for this Blue D Chanel if you are looking for a very unique and a very sophisticated kind of a fragrance. तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, which was on the review of Blue D Chanel. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज मुझे अपने विचार, अपने फीडबैक, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. एंड वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आप अपनी किसी भी फ्रेग्रेंस को रिव्यू करना चाहते हैं जो कि आप प्लान कर रहे हैं बाय करने की, तो आप प्लीज मुझे उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. आई विल ट्राई टू रिव्यू दैट फ्रेग्रेंस और आपको एक फर्स्ट हैंड और बहुत ही स्पॉन्टेनियस अपना इंप्रेशन दूंगा, अपना फीडबैक दूंगा, अपना ओपिनियन दूंगा उस फ्रेग्रेंस को लेके, ताकि आपको उसके पीछे बहुत ही एक ऑनेस्ट और एक बिल्कुल लेटेस्ट फीडबैक मिल सके. सो टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर.